अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एएस वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही इजी और क्विक क्यूकम्बर रायता बनाना बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों को बनाना भी आता होगा, लेकिन हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है। तो इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेबल का सालन हो और साथ में चपाती हो तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हो अगर सालन वगैरह ना भी लो, और इसके अलावा भी आप खा सकते हो। आपको जैसे खाना हो आप खा सकते हो, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और वैसे भी क्यूकम्बर जो है वो आपकी स्किन और बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसके बेनिफिट ज़्यादा हो बजाय इसके के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। अगर आपकी कोई चीज़ आपको स्किन आपकी स्किन को भी बहुत बेनिफिट दे रही हो और बॉडी को भी, तो उसको ज़रूर यूज़ किया करें। तो चले चल के इसकी रेसिपी देख लेते हैं। वन एंड हाफ कप के करीब मैंने योगर्ट लिया है, एक क्यूकम्बर लिया था, उसको इस तरह मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास चटनी पड़ी हुई है, ये मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बनाना बताई थी। मैं आपको दोबारा से बता सकती हूँ चटनी बनाने के लिए आपको क्या करना है। थोड़ा सा आपको फ्रेश जो है वो धनिया लेना है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करनी है और सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद आप उसको उसका पेस्ट बना लें। आप पेस्ट जो है वो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में जिसमें आप बनाना चाहें। तो आपकी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसमें चटनी जाएगी और क्यूकम्बर जाएंगे बस। इसके अलावा सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि सॉल्ट मैंने चटनी में ऑलरेडी ऐड कर लिया था। आप इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि जब आप रायते को सालन के साथ या राइस के साथ लेते हो तो उसमें सालन में या राइस में ऑलरेडी सॉल्ट भी होती है और स्पाइसेस भी होती हैं, तो इससे ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए मैंने, क्योंकि सालन के साथ लेना है इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट भी नहीं ऐड किया। सॉल्ट जो सिर्फ चटनी में ऐड किया था वही है, और ब्लैक पेपर मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उससे स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसमें बस क्यूकम्बर ऐड करूँगी और ये हमारा सिंपल सा रायता जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसा कि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों में अक्सर भूख नहीं लगती या कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, तो आप सिंपल ये रायता खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। इसके अलावा इससे आपको भूख भी लगेगी। आप लोग इस रायते को बनाना और फिर बताना कैसा बना है, टेस्ट कैसा था। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं खाने के साथ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली गई जिससे जो है वो आपको लगे कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सब लोग इसको खा सकते हैं। तो ये क्यूकम्बर रायता जो है वो रेडी हो गया है, बहुत ही ईजी था। आप लोगों में से कुछ लोग बनाते भी होंगे, आप लोग बताना अगर आप लोग किस तरह से बनाते हो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।